बॉडीगार्ड हमेशा काले चश्मे ही क्यों पहनते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक खाने से क्या होगा? कैसे एक छोटी सी गलती से कोको कोला बन गया? जानने के लिए बने रहें वीडियो के एंड तक। नंबर 12, कनाडा में एक बार गलती से एक स्टोर को खुला छोड़ दिया था और उस दिन नेशनल हॉलीडे था, इसीलिए कोई काम पर नहीं आया था और वहाँ कोई ना होने के बावजूद एक आदमी एक पोटैटो चिप्स लिए और $5 वहीं छोड़ दिए। अगर वही सेम चीज़ इंडिया में होता तो क्या होता, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। नंबर 11, यह काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक सिंगर था जिनका नाम संयोगी था। इन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और पब्लिक से थोड़े दूर चले गए। इसके बाद हर जगह खबर आने लगी कि इनका मर्डर हो गया है। जब यह न्यूज़ वायरल हुई तो वह आकर खुद बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन एक घंटे बाद सच में उनका मर्डर हो गया। नंबर 10, आपने यह बात कई बार सुनी होगी कि दुनिया में एक इंसान के साथ हमशक्ल होते हैं। एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर कोई यूनिक होता है। हर किसी का फिंगरप्रिंट, यहाँ तक कि टंग प्रिंट भी अलग अलग होता है। नंबर 9, इस दुनिया में कई प्रकार के फल मौजूद है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि दुनिया का सबसे छोटा फल कौन सा है तो आपका जवाब होगा बेरी, लेकिन दुनिया का जो सबसे छोटा फल होता है बेरी से भी 100 गुना छोटा होता है, उसका नाम है यूट्रिकल। यह चींटी से भी छोटा होता है और यह टेस्ट में खट्टा होता है और यह पानी में उगता है। नंबर 8, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम गलती से फेविकोल को खा ले तो क्या होगा? क्या हमारे मुंह में चिपक जाएगा? क्या यह जहरीला होता है? क्या खाने से हम मर जाएंगे? जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप गलती से खा लोगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके दांतों में तो चिपक जाएगा, लेकिन सलाइवा के कारण दांतों से भी निकल जाएगा। हमारे ब्लड में एक केमिकल होता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी पार्ट में नहीं चिपकेगा। नंबर 7, रेडबुल इंडिया में तो लीगल है और यही ड्रिंक कई सारे देशों में बैंड है। इन देशों के गवर्नमेंट के मुताबिक इनमें एमिनो एसिड पाया जाता है जो कि इंसानों के हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। यह सबसे ज़्यादा इंसान के दिल को इफेक्ट करता है, इसीलिए फ्रांस नवाडा में यह इलीगल है। नंबर 6, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हम जैसे दूसरों के साथ बिहेव करेंगे वह भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव करेगा। साइकोलॉजी की माने तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर किसी का दिल और दिमाग अलग अलग होता है। अगर हम किसी का मदद करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि भी हमारा मदद करेगा। नंबर 5, 2017 में आमिर खान के दंगल मूवी को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया था क्योंकि पाकिस्तान सेंसर बोर्ड का कहना था कि वह इंडियन नेशनल एंथम को निकाल देंगे। यह बात आमिर खान को पसंद नहीं आई, इससे आमिर खान को 10 से 12 करोड़ का नुकसान हुआ। अगर मूवी हिट जाती पाकिस्तान में तो 40 से 50 करोड़ का मार्केट था, फिर भी वहां रिलीज नहीं करवाया, आमिर खान के लिए तो 1 लाख बनता है। नंबर 4, इस फोटो को देखो, यह एक बागीचे का है। वहां एक तूफान आया था जिसकी वजह से सारे सेब नीचे गिर गए और वहां ऐसा दिख रहा है, कई लोगों को यह फेक लगता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यह बिल्कुल रियल है। नंबर 3, कोको कोला को तो हम सभी जानते हैं। आज कोको कोला का टेस्ट कौन नहीं पहचानता, पर क्या आपको पता है कि कोको कोला को किसी सिप ने नहीं बल्कि कॉमन मैन ने अपनी गलती से बना डाला था। डॉक्टर जॉन वेसनटन कैफीन और एल्कोहलिक ड्रिंक बनाना चाहते थे। गवर्नमेंट परमिशन के कारण एल्कोहल को निकालना पड़ा और ऐसे ही कुछ चेंजेस के बाद कोको कोला बन गया। नंबर 2, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हमें गुस्सा आता है या फिर हम गुस्सा करते हैं? हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक वेटर आप पे चाय गिरा दे तो आप क्या करोगे? उसे 4 बातें सुनाओगे या फिर 4 गालियां दोगे? और वहीं दूसरी ओर आपका बॉस आप पे चाय गिरा दे तो आप गुस्सा करने की बजाय खुद उस चाय को साफ करोगे और बॉस से कहोगे? ऐसा तो होते रहता है। सेम कंडीशन में एक तरफ गुस्सा किए और एक तरफ गुस्सा नहीं किए, यानी कि गुस्सा हमारे कंट्रोल में है। नंबर 1, बॉडीगार्ड हमेशा काला चश्मा ही क्यों पहनते हैं? हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ऐसे ही पहनते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके कई सारे रीजन होते हैं। पहला, वह किसी के तरफ देखे और उसे पता नहीं चलना चाहिए। जब बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं तो वह अपने आँखों को घुमाते रहते हैं। और दूसरा, सनलाइट यानी कि धूप जब आंखों में पड़ते हैं तो उन्हें क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर दिखाई नहीं देंगे तो सेफ कैसे रख पाएंगे? इसीलिए बॉडीगार्ड हमेशा काले चश्मे ही पहनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं।